गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल चैनल चैनल। हम आ गए हैं फिर से नई ताज़ा बकवास लेके। आज हम बहुत खुश हैं। अरे आज सरस्वती पूजा है ना। सरस्वती पूजा में वैसे हम कभी खुश नहीं रहते थे, क्योंकि ना सरस्वती पूजा में ना मतलब जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक व्रत रखना पड़ता था, तो और ना सरस्वती पूजा तब तक करना पड़ता था, मतलब लोग तो करते ही हैं, जो बंगालीज होते हैं वो सरस्वती पूजा का व्रत बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन हम ना तब तक रखते थे जब तक हमारी विद्या कंप्लीट नहीं हो रही थी ना। हम सोच रहे थे जल्दी से हमारी विद्या कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमें व्रत नहीं रखना पड़ेगा, और फिर ना सरस्वती पूजा में फिर वो मतलब व्रत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमारी विद्या तो बहुत पहले, बहुत सालों पहले कंप्लीट हो गई थी, लेकिन हमारे भाई की कंप्लीट नहीं हुई थी ना। लेकिन हमारे भाई की भी 2 साल पहले कंप्लीट हो गई ना, तो 2 साल से हम लोग व्रत नहीं करते। मम्मी कहती हैं कि तुम्हें करना चाहिए व्रत, लेकिन हमने सोचा कि अब तो हमें विद्या क्या ही मिलेगी, जो पढ़ना था जितना पढ़ना था वो तो पढ़ लिया, तो बस हो गया है ना। इसलिए हमने जो है जो व्रत है वो त्याग दिया, मतलब फिर। लेकिन सरस्वती पूजा तो है ही ना, अब विद्या का क्या है, वो तो मिली नहीं वैसे भी। लेकिन हम बहुत विद्यामान है, नहीं बुद्धिमान है ना। आप भी मानते हैं ना, बुद्धिमान तो हम बहुत है। बहुत इंटेलिजेंट है हम। अब हम ना वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, मतलब कोलकाता, और हम प्लेन में जा रहे हैं। बड़ा मजा आएगा, पहली बार जा रहे हैं लेकिन हमें प्लेन के बारे में कुछ भी नहीं पता, और हमारी मम्मी भी जा रही हैं और हम जा रहे हैं लेकिन हमारी मम्मी को भी कुछ नहीं पता। लेकिन हम देख लेंगे इंटरनेट से कि क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि वहां जाके हमने हमारा चंपूपन दिखा दिया तो हमारी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी ना। तो हम प्लेन में जाएंगे और प्लेन में ही आएंगे, और ना जो है ट्रैवलिंग में कुछ अच्छा हो सकता है ऐसा हमने नज़र लग जाएगी। हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, पता नहीं हमारे बहुत सारे गुप्त दुश्मन हैं, और उन गुप्त दुश्मनों में सारी फीमेल्स हैं जो जल भून के चिढ़ जाती हैं हमसे, बुरा चाहती है ना, हमारा बुरा चाहती हैं, हमेशा हमारा बुरा ही चाह है। खैर अभी हम आपको क्या बताएं। अरे हाँ, हमने एक चीज़ बनाई है क्राफ्ट की, तो हम वो 4 दिनों से वो बना रहे थे कंप्लीट, अभी हम आपको दिखाएं कि वो कैसा बना है। अभी रुकिए, अभी हम इसको किधर रखें, इसको ऐसे ही रख देते हैं। ये देखो, फोन नहीं टिक रहा। ये देखो, ये हमने बनाया है, यहाँ पर चीजें रख सकते हैं, यहाँ पर चीजें रख सकते हैं, और यहाँ पर भी चीजें रख सकते हैं, और ये ना हमारी मम्मी का ब्लाउज है जो बहुत पुराना है, जो किसी काम का नहीं है, मतलब किसी काम का नहीं था, और हमने ये फूल बनाया है खुद ही, और ये भी है, और इसको हमने अच्छी तरह से सिला है, इसके अंदर जेब है, इसको ऐसे वॉल हैंगिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके पीछे भी हमने यहाँ पर जो है एक जेब बनाया है, हिडन पॉकेट, कुछ हिडन चीज़ें रखने के लिए, जैसे पैसे वगैरह, पैसे तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन फिर भी कोई चीज़ें जो छुपा के रखनी चाहिए वो हम यहाँ रख सकते हैं ना, और फिर दीवार पे टांग देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ना हमें वो जेब यहाँ बनानी चाहिए थी ना, यहाँ बनाई है, हमारे पापा कह रहे थे तुम्हें बुद्धि नहीं है। खैर अब बन गई है तो बन गई है। रुकिए रुकिए, तो ये थी आज का नई ताज़ा बकवास। हम चंपू बने रहे हैं। हाँ, तो ये थी आज की नई ताज़ा खबर,
ओके, तो अभी के लिए इतना ही।